जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नोडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, बहुत ही दिनों से चल रही रक्सौल से सीतामढ़ी के बीच का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, जिसका कम्प्लीशन कब किया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि कब इसका सीआरएस किया जाएगा। इससे पहले कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से ऑन कर ले। जैसा कि आपके स्क्रीन पर वो वीडियो दिख रहा होगा, यह वीडियो है घोड़ासहन रेलवे स्टेशन से, जो कि यह छोटी सी वीडियो सिद्धार्थ कुमार जी की मदद से प्राप्त हुई है। और यह वीडियो के माध्यम से उन्होंने यह बताना चाहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन काम घोड़ासहन पर काम पूर्णतः कम्प्लीट किया जा रहा है और कई फेजों पर कई जगहों पर पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया गया है। और जैसा कि बात करते थे हम अदापुर से रक्सौल के बीच, तो वहाँ पर भी काम अंतिम स्टेज में चल रहा है और फाइनल स्टेज का काम वहाँ पर भी किया जा रहा है। वायरिंग वगैरह का काम किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से फिटिंग वगैरह का काम किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में फिलहाल जो देख रहे होंगे, घोड़ासहन रेलवे स्टेशन का वीडियो है, जो कि रक्सौल और सीतामढ़ी के रेलखंड के मध्य पड़ता है यह स्टेशन। और इस स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। हालांकि हम आपको घोड़ासहन रेलवे स्टेशन से कई वीडियो दिखा चुके हैं, कई प्रकार के वीडियो दिखा चुके हैं, वहां पर भी देखे होंगे कि वायरिंग वगैरह काम किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल अब पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है यहां पर। अब बात करते हैं दोस्तों कि कब तक काम पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, बात है काम करने की, तो यह अक्टूबर के पहले सप्ताह तक, रेलवे के मुताबिक अक्टूबर के पहले सप्ताह तक रक्सौल और सीतामढ़ी के बीच विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। और विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के बाद आवश्यक जांच की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। और विद्युतीकरण हो जाने के बाद इस रूट पर जो सबसे बड़ा फायदा मिलने वाले हैं वह डेमू ट्रेन का। वो कैसे, क्योंकि इस रूट पर चलने वाली जितनी भी डेमू ट्रेनें होंगी, उन सभी डेमू ट्रेनों को EMU रैक मिल जाएगी और उसके द्वारा परिचालन किया जाएगा। लेकिन जो इस विद्युतीकरण में सबसे बड़ी समस्या आई है वह अदापुर और रक्सौल के बीच आई है, क्योंकि वहाँ पर जो सड़कें हैं उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, काफ़ी दयनीय है। इस वजह से सामान को आवागमन कराने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से अदापुर और रक्सौल के बीच जो है इलेक्ट्रिफिकेशन काम में डिले हो गया। बाकी कामों को पूरा कर लिया गया है और यह संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक विद्युतीकरण का काम पूर्णतः कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद सीआरएस का निर्णय लिया जाएगा। और तब इस रूट पर रक्सौल से चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उन सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक इंजन मिल जाएगी और उसके बाद रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा मुजफ्फरपुर होते हुए इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रेनें दौड़ेंगी। लेकिन अभी भी रक्सौल और नरकटियागंज के बीच वाया सिकटा होते हुए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी है। हालांकि नरकटियागंज और रक्सौल के बीच भी विद्युतीकरण का काम चल रहा है, लेकिन जो गति है वो काफ़ी धीमी है। इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है इस काम को पूरा करने में। और जैसे ही नरकटियागंज तक इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, उसके बाद इस रूट पर उम्मीदें बढ़ जाएगी। रक्सौल नरकटियागंज रूट पर वो सगौली बेतिया की जगह हो सकता है कि वाया सिकटा होते नरकटियागंज ले जाया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं छोटी सी रिपोर्ट जरूर से पसंद आया। अगर पसंद आता अवश्य लाइक करें और इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं, अपनी राय भी जरूर से शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।